नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। तो आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे राहु की। कलयुग में राहु को एक मतवाला हाथी माना गया है और इस मतवाला हाथी को अंकुश लगाने के लिए आपको क्या उपाय करना है, इस बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बटन को सिलेक्ट कर लेना। या ज्योतिष से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं या किसी प्रकार का रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। कलयुग में राहु आंधी और तूफान की तरह जिंदगी में आता है। राहु इंसान को या तो राजा की तरह सुख सुविधाएं देता है या राजा जैसी जिंदगी जीने वाले को झटके में भिखारी बना देता है। कलयुग में राहु से अच्छा कोई नहीं और इससे बुरा भी कोई ग्रह नहीं। राहु अच्छा बहुत कम लोगों के साथ करता है, अधिकतर लोगों की दुनिया हिला देता है और उनकी जिंदगी को नरक बना देता है। लोगों की जिंदगी झटके से इधर में उधर हो जाती है। खराब राहु काम कारोबार नौकरी व्यापार परिवार रिश्ते सब पर झटके से ख़त्म कर देता है और जिंदगी को उलट पलट देता है। अगर आपको मानसिक तनाव और भय डिप्रेशन है, अनजाना डर लगता है, गुस्सा आता है, तुरंत गुस्सा आता है, ससुराल से संबंध खराब है, नाखून खराब हो रहे हैं, आप हर बात पर झूठ बोलने लगे हैं, हॉस्पिटल का बार बार चक्कर लग रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका राहु आपको खराब परिणाम दे रहा है और इसके लिए आपको सावधान हो जाना चाहिए और राहु से जुड़े उपाय शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके क्लोज और मजबूत रिश्ते खराब हो रहे हैं या छोड़ कर जाने लगे, अचानक दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगे, दिमाग में गंदे और नकारात्मक विचार अधिक आने लगे और कुछ भी कर लेने के बावजूद कर्ज बढ़ता ही जाए, तो यह खराब राहु का लक्षण माना जाता है। और इससे यदि आप निपटारा चाहते हैं, इससे आप राहत चाहते हैं, तो राहु मतवाला हाथी है और उस हाथी को अंकुश लगाता है मंगल। आपको मंगल को बलि करना होगा, मंगलवार का उपास रखना होगा, हनुमान जी की पूजा करनी होगी, बजरंग बाण का पाठ करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और राहु को सबसे बेहतर प्रसन्न करने का उपाय है माँ दुर्गा की पूजा। आप दुर्गा जी की पूजा विधि विधान से कर रहे हैं तो राहु आपके अनुकूल कार्य करेगा और आपके जीवन से जुड़े हर तकलीफ धीरे धीरे समाप्त करके और आपको राहु अच्छा फल देना चालू कर देगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। राहु से जुड़ी यदि किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप इसका निदान जान सकते हैं। धन्यवाद।